ठीक है, नेक्स्ट है आपका कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अभी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मतलब है कि जो प्रोडक्ट है, सॉरी प्रोडक्ट नहीं, जो हमारा सॉल्यूट है, जो सॉल्वेंट है, उन सब चीज़ों में डिपेंड करेगा कि नहीं। अभी जब एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट दोनों मिक्स होकर सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो वहाँ भी हमको एक रिएक्शन देखने को मिलता है। ठीक, अभी रिएक्शन देखने को कैसे मिलेगा, तो ये मान लीजिए हमारा एक सॉल्यूट है, और यहाँ पे एक सॉल्यूशन है, सॉरी सॉल्वेंट है। ठीक है, सॉल्यूट को मैं ए कह लेता हूँ और सॉल्वेंट को मैं बी कह लेता हूँ। तो यहाँ पे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे ए के और बी के, अगर एटम्स भी होंगे तो बहुत सारे होंगे। बहुत सारे कितने होने चाहिए, ठीक है, कितने होने चाहिए, एवोगाड्रो नंबर के बराबर होने चाहिए। तो अब जो सॉल्यूट है इसमें ए और ए के बीच में कुछ ना कुछ तो बॉन्ड होगा, इस तरीके से बी और बी के बीच में भी कुछ ना कुछ बॉन्ड होगा। ठीक है, जब इन दोनों को हम मिक्स करेंगे तो इन दोनों को मिक्स करने के बाद हमको क्या देखने को मिलेगा, सॉल्यूशन। ठीक है, इन दोनों को मिक्स करने के बाद हमको सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। अभी सॉल्यूशन क्या है, तो ए और बी के बीच का बॉन्ड। ठीक, ये हमारा सॉल्यूशन है। अब देखो इस जगह पे क्या होता है कि इस बॉन्ड को टूटना होगा, इस बॉन्ड को टूटना होगा और इस बॉन्ड को ज्वाइन होना होगा। ठीक है, तो पुराना बॉन्ड टूटेगा और नया बॉन्ड बनेगा। तो जैसा जितना ज्यादा कंसंट्रेशन होगा, मतलब जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे, उतने ज्यादा हमें यहाँ पे हीट ऑफ रिएक्शन देखने को मिलेगा। अब एक सिंपल सा मैं एग्जांपल देता हूँ कि जो मैंने मैंने आपको शायद पहले भी दिया है कि जब आप सर्फ को हाथ में रखते हैं और रखने के बाद हाथ का मुट्ठी बंद कर लीजिए और उसको आप बकेट में डाल दीजिए जिसमें पानी हो, और मुट्ठी को आप हल्का सा खोलो ताकि थोड़ा सा पानी आपके हाथ के मुट्ठी में जा सके, फिर मुट्ठी को आप बंद कर लीजिए, फिर थोड़ा खोलिए, फिर थोड़ा बंद कर लीजिए, तो आपको हीट का एहसास होगा। ठीक है, अभी वहां पे हीट का एहसास मतलब अच्छा खासा हीट का एहसास होता है, आपका हाथ गर्मी फील करेगा। अगर किसी ने ऐसा नहीं किया है तो आप करके देखना। वहाँ क्या होता है कि जो सर्फ है उनका कुछ ना कुछ बॉन्ड है, जो सर्फ वहाँ पे कैसा है, सॉल्यूट का काम करता है और पानी आपका सॉल्वेंट का काम करता है। तो सर्फ का जो बॉन्ड है वो ब्रेक होगा, पानी का अपना बॉन्ड ब्रेक होगा, और उसका सर्फ और पानी दोनों मिक्स करके एक नया सोल्यूशन तैयार करेंगे जहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन हमको देखने को मिलता है। तो हम क्या करेंगे, सर्फ का क्वांटिटी अगर बढ़ाते हैं तो हमको वहाँ पे क्या है, ज्यादा हीट देखने को मिलेगा। तो जो कॉन्सेंट्रेशन है सोल्यूशन का, वो कॉन्सेंट्रेशन हमको बतलाता है कि कितना ज्यादा हीट हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, इस कंडीशन में हम लिख सकते हैं कि हीट ऑफ रिएक्शन ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, और ये जो कंसंट्रेशन है ये सबसे ज्यादा डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर। तो हीट ऑफ रिएक्शन मेनली डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, हमको हीट ऑफ रिएक्शन और ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, हीट ऑफ रिएक्शन और ज्यादा देखने को मिलेगा। क्या हुआ,
अब देखिए एक चीज, हम लोग जनरली इक्वेशन लिखते हैं, दैट इज पी वी इज इक्वल्स टू एन आर पी, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, जो गैस कांस्टेंट है, टेम्परेचर है, ये हम किसके लिए यूज करते हैं, तो गैस के लिए। इसी तरीके के रिलेशंस हम यहाँ पे सॉल्यूशन में ही यूज करेंगे हीट के लिए। तो मैं इसे फिलहाल काट रहा हूँ क्योंकि तो हमको ये नहीं लिखना है, मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए था कि इसी टाइप का रिलेशन जो है हम सॉल्यूशंस में यूज करते हैं। सॉल्यूशन में क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे डील कर रहे हैं हीट के साथ। एक क्यू जो है वो हीट को डिनोट करता है। अभी हीट को डिनोट करता है तो कंडीशन क्या है, सबसे पहला क्यू पी, क्यू पी कहने का मतलब है हीट एडेड एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। उसी तरीके से हम दूसरा भी लिखेंगे, हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, जिसको हम लिखेंगे क्यूवी, ठीक है। तो ये दो टाइप ऑफ हीट्स हैं जो हम यहाँ यूज करेंगे, और जो रिलेशन होता है वो होता है क्यूपी इज इक्वल्स टू क्यूवी प्लस डेल्टा एन आर पी, ठीक है। डेल्टा एन जो है यहाँ पे हम लिखते हैं डेल्टा एन क्यू, ठीक है, डेल्टा एन ठीक है। अभी डेल्टा एन जो है ये बेसिकली किसको डिनोट करता है, तो हमारा जो रिएक्टेंट है, जो भी रिएक्टेंट होगा, जो प्रोडक्ट होगा, इन दोनों के डिफरेंस को डिनोट करेगा। डेल्टा एन जो है ये डिनोट करेगा क्या, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, ये इस चीज को डिनोट करता है, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, इसको डिनोशन हम यूज करते हैं। देखो यहाँ पे एक डिनोशन यूज किया डेल्टा एन क्यू, ठीक। तो इस चीज को मैं थोड़ा चेंज करके लिख रहा हूँ, डेल्टा एन क्यू आर, ये आपका फॉर्मूला है जो इस चैप्टर में यूज होगा। Where NP is equals to number of moles of product or NR is equals to number of moles of reactant, ठीक है। यहाँ पे डेल्टा एन जो है ये हमको बतलाता है डिफरेंस ऑफ नंबर ऑफ मोल्स किसका किसका, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का। तो प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट कहने का मतलब है जब हम लिक्विड्स की बात करें या गैसेस की बात करें, दोनों में सेम चीजें यूज की जाती है, बस नोटेशंस का फर्क है, ठीक। तो अब यहाँ पे हम समझें कैसे, मान लीजिए नंबर ऑफ मोल्स हमको कैसे समझना है। सपोज कीजिए मेरे पास कुछ भी है, ए है, अभी ए हो गया दो मोल, उसके बाद ये तीन मोल हो गया बी, और ये हमको दे रहा है टू मोल्स ऑफ सी प्लस वन मोल ऑफ डी। तो एन पी इधर का हो जाएगा एन पी इज इक्वल्स टू थ्री, और इधर पे हो जाएगा एन आर इज इक्वल्स टू फाइव, ठीक है। तो ये हम ऐसे निकालते हैं, और डेल्टा एन क्यू, डेल्टा एन क्यू क्या हो जाएगा, एन पी माइनस एन आर, एन पी माइनस एन आर, ठीक। तो ये हमारा फॉर्मूला हम लोग ऐसे यूज करते हैं। तो डेल्टा एन है बेसिकली क्या, डिफरेंस ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है, ये इसका
डिफरेंस है। ये पॉइंट क्लियर है? देखो सबसे इम्पोर्टेंट समझने वाला चीज है यहाँ पे, ठीक है, ये पॉइंट अगर क्लियर होता है आपको तो हीट ऑफ रिएक्शन जो सॉल्यूशन के कंसेंट्रेशन पर डिपेंड करता है वो आपको क्लियर हो जाएगा। इस बोर्ड को आप एक बार वापस से देखिए, कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए। बोर्ड को देखिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, और डाउट नहीं है तो क्लियर लिखिए ताकि आगे चलें। सीमा का क्लियर है, बबीता क्लियर है, बाकी लोग का? हेलो कर्चना, मधुबाला, कविता, क्लियर है आप लोग को? देखिए नेक्स्ट है हीट ऑफ कंबशन। नेक्स्ट टॉपिक इज हीट ऑफ कंबशन। हीट ऑफ कंबशन, अभी हीट ऑफ कंबशन जो है, हीट ऑफ कंबशन बहुत कुछ अलग अलग हो सकता है। अभी अलग अलग क्यों कह रहा हूं, क्योंकि हो सकता है कि कोई किसी चीज का, जैसे मान लीजिए कोल को ही अगर हम जलाते हैं तो हो सकता है कोई 10 ग्राम कोल लेके यूज कर रहा हो हीट ऑफ कम्बशन देखने के लिए, कोई आपका 1 kg कोल लेके देख रहा हो, कोई 500 ग्राम लेके देख रहा हो, कोई हो सकता है दुनिया भर का कोल ले लिया हो, जला रहा हो, उसका हीट ऑफ कम्बशन देख रहा हो। तो जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है वो डेफिनेशन दिया जाता है 1 mole को लेकर, ठीक है, क्योंकि हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री में 1 mole एक बहुत बड़ा संख्या है। तो जनरली 1 mole केमिस्ट्री में नहीं, 1 mole हर जगह के लिए बहुत बड़ा संख्या है, इतना बड़ा कि इसके अगर गणना करें तो ये खत्म नहीं हो सकता, ठीक है। तो जो डेफिनेशन है वो 1 mole के लिए ही दिया जाता है। अब डेफिनेशन क्या कहता है कि अगर किसी भी सब्सटांस को हम जलाएं, अभी सब्सटांस कितना होना चाहिए वो 1 mole के बराबर होना चाहिए, ठीक है। अगर हम 1 mole सब्सटांस को जला रहे हैं, रिपीट करें, ठीक है, वापस से सुन लीजिए, अगर हम कोयले को जलाते हैं, ठीक है, तो कोयले को बर्न करने में क्या होगा कि हीट ऑफ कम्बशन हमको देखने को मिलेगा। हीट ऑफ कम्बशन का मतलब क्या है, किसी भी चीज को जलाने पे हमको कितना एनर्जी, कौन सा एनर्जी, हीट एनर्जी, कितना हीट एनर्जी मिल रहा है उसको यहाँ पे हीट ऑफ कम्बशन कहा गया। तो हर एक लोगों के लिए एक्सपेरिमेंट अलग तरीके से हो सकता है, ठीक है, कोई 50 ग्राम लेके अगर कोयले को जलाता है तो वहां पे हीट ऑफ रिएक्शन अलग देखने को मिलेगा, कोई 100 ग्राम लेके जलाता है तो वहां हीट ऑफ रिएक्शन अलग देखने को मिलेगा, कोई किलो में जलाएगा तो हीट ऑफ रिएक्शन अलग मिलेगा, ठीक है। तो
इसीलिए एक स्टैंडर्ड वैल्यू सेट की जाती है केमिस्ट्री के तौर पे, केमिस्ट्री में वो स्टैंडर्ड वैल्यू कितना है वो होता है 1 मोल। ठीक है, 1 मोल काफी बड़ा नंबर होता है। तो डेफिनेशन क्या है कि अगर हम 1 मोल का सब्सटेंस को जलाएं, चाहे वो सब्सटेंस कोयला हो, लकड़ी हो, कपड़ा हो, कुछ भी हो, लेकिन उसका अमाउंट कितना होना चाहिए, तो वो होना चाहिए 1 मोल। 1 मोल जलाने के बाद मुझे कितना हीट देखने को मिल रहा है उसे कहते हैं हीट ऑफ कंबशन। तो डेफिनेशन क्या होगा, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज बर्न। ठीक है, तो ये आपका हीट ऑफ कंबशन का डेफिनेशन है। अब देखिए, हीट ऑफ कंबशन है, आवाज नहीं आ रहा है, बाकी लोग का आवाज जा रहा है क्या, मधुबाला के अलावा बाकी लोग का आवाज जा रहा है क्या, मधुबाला थोड़ा ऐसा रूम रूम में अगर बैठते हो तो रूम का गेट खिड़की कभी मत लगाइएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि गेट को सटा दिए और तब बैठ रहे, क्योंकि मेरा भी गेट उठ में बंद कर देता हूँ तो रूम में नेटवर्क नहीं आता। ठीक है, तो वो सब काम थोड़ा चेक कर लो, और थोड़ा बहुत नेटवर्क का इशू रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो उन सब चीज़ों को चेक कीजिए तो नेटवर्क इशू खत्म हो जाएगा। अगर नहीं लगाए हो तो कोई ऐसा जगह बैठो जहां पे नेटवर्क अच्छा रहता हो, और क्या बोल सकते हैं, वो शायद तो हम कुछ कर नहीं सकते। और क्योंकि तो मैं जनरली एयरटेल का नेट यूज करता हूं, तो एयरटेल का नेट थोड़ा अच्छा रहता है, जियो में इतने सब्सक्राइबर है कि उसका नेट अच्छा चलता नहीं। ठीक है, अब देखो वापस मैं चले आता हूँ टॉपिक पे। इसको डिनोट किया जाता है डेल्टा एच से, या तो डेल्टा एच से डिनोट करेंगे या फिर डेल्टा एच सी से डिनोट करेंगे, इस तरीके से। ठीक है, एच ट्रायंगल के बेस में सी बनेगा। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखेंगे, सिंबल है, और इसको आप चाहो तो ऐसे भी डिनोट कर सकते हो, डेल्टा एच सी। ठीक है, ये तीनों नोटेशंस हैं, लेकिन ज्यादातर ये दोनों यूज किए जाते हैं। देन नेक्स्ट है स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबशन। अभी स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबशन कहने का मतलब है कि अगर स्टैंडर्ड कंडीशंस में हीट ऑफ कंबशन कंबशन हो रहा है, स्टैंडर्ड कंडीशंस कैसा, तो एसटीपी और एनटीपी पे। ठीक है, एसटीपी और एनटीपी पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर एंड नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे अगर हम किसी भी चीज को जला रहे हैं तो उसको स्टैंडर्ड कंडीशन कहा जाता है। इसको डिनोट करते हैं हम डेल्टा एच सी नॉट से करेंगे ऐसे। ठीक है, ये एक तरीका है दिखाने का, या फिर ऐसा एक तरीका है दिखाने का, डेल्टा के ऊपर में नॉट और नीचे में सी विथ और ऐसा एच। ठीक है, और इसे हम जनरली ऐसा भी दिखाते हैं, डेल्टा एच। ठीक है, ये सभी तरीका है दिखाने का, इसको कहते हैं स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबशन। दिस इज नोन एज स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबशन। ठीक है, स्टैंडर्ड हीट कंबशन कहने का मतलब है स्टैंडर्ड कंडीशंस पे होने चाहिए, चाहे तो वो क्या क्या हो सकता है, वो हो सकता है 1 atm प्रेशर, चाहे तो 1 bar, एंड टेम्परेचर क्या हो सकते हैं, तो 273.15 kelvin। ठीक है, ये इसका स्टैंडर्ड कंडीशन है। पॉइंट क्लियर है सबको, पॉइंट क्लियर है।
हीट ऑफ कंबशन का बाकी लोगों को क्लियर है तो सबको थोड़ा लिखा करो, लिखने में कंजूसी मत कीजिए ताकि समझ में आ जाए, सबको समझ में आ रहा है सर। ठीक है, देखो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैलोरी फिट वैल्यू ऑफ फ्यूल और फूड। ठीक है, अभी कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब क्या है, किसको पता है कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब, कौन बताएगा? कौन बताएगा कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब? कैलोरी, ठीक है, चलो कुछ हद तक तो बबीता ठीक बताए। देखिए अभी दो चीजें हैं यहाँ पे, एक तो है हमारा फ्यूल और दूसरा है फूड। ठीक है, अब दोनों को हम आसान भाषा में कह सकते हैं तो ईंधन, ईंधन क्या है, फ्यूल, यहाँ पे हम ईंधन की बात करते हैं तो ये मशीन्स में डलता है। ठीक है, ये वो ईंधन है जो मशीन्स में यूज किया जाता है, और जो खाना है ये खाना हमारे शरीर के लिए ईंधन है, हमको एनर्जी प्रदान करता है। तो डेफिनेशन कहाँ से क्या बनता है कि अगर फ्यूल हम लें, ठीक है, फ्यूल लें, चाहे तो हम फूड लें, अभी दोनों कितने होने चाहिए, तो दोनों हम ले सकते हैं कितना, तो लेना है हमको 1 ग्राम। ठीक है, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है इसका, 1 ग्राम। अब इस 1 ग्राम को बर्न करने से हमको कितना एनर्जी मिलता है उसको हम कहते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू ही क्यों कहा जाता है, क्योंकि पहले टाइम में क्या होता था, तो ये जो एनर्जी है वो एनर्जी हमको हम कैलोरीज में कैलकुलेट करते थे। ठीक है, तो इसीलिए इसको कहा जाता है कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल और फूड। देखो मैं यहाँ पे एक एल्गोरिदम बना रहा हूँ, ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एनर्जीज को मैं लिख देता हूँ इन टर्म्स ऑफ कैलोरी, एनर्जी ब्रैकेट में कर देता हूँ इन टर्म्स ऑफ कैलोरी, इन टर्म्स ऑफ कैलोरी। ठीक है, तो ये हमको बतलाएगा कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल और फूड, ऑफ फ्यूल और फूड। ठीक है, इस एल्गोरिथम से आप याद रख सकते हैं कि अगर हम ईंधन लें चाहे तो वो खाना लें, अभी दोनों चीजें ईंधन के रूप में आती हैं, फ्यूल चाहे फ्यूल, किसे किसके लिए, तो इंजन के लिए और हमारे शरीर के लिए, दोनों कितना होना चाहिए 1 ग्राम। और इसे जब जलाएंगे तो उससे जो एनर्जी हमें मिलेगा उस एनर्जी को हमको किस में कैलकुलेट करना है, तो कैलोरी के टर्म्स में कैलकुलेट करना है, और उसी चीज को हम कहते हैं कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फूड और फ्यूल। डेफिनेशन क्या हो जाएगा, द हीट एनर्जी ऑब्टेन्ड बाय बर्निंग 1 ग्राम ऑफ फ्यूल और फूड इन टर्म्स ऑफ कैलोरी इज कॉल्ड कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल और फूड। ठीक है,
इसका बेस्ट एग्जांपल हम देख सकते हैं अपने घर पे ही, हमारा जो एलपीजी सिलेंडर है जो घर पे हम खाना बनाने के लिए यूज करते हैं, तो वो परफेक्ट एग्जांपल होता है कैलोरीफिक को यूज करने के लिए। ठीक है, वहाँ पे हर एक ग्राम का मतलब है, हर क्योंकि हम सिलेंडर भरवाते हैं, सिलेंडर में देखिए बड़ा सिलेंडर जो है वो 14.2 kg का होता है, ठीक है, 14 किलो 200 ग्राम का, तो उसमें से पर एक ग्राम मायने रखता है और पर एक ग्राम का जो एनर्जी है वो मायने रखता है। तो यहाँ पे जो कैलोरीफिक वैल्यू फ्यूल ऑफ फूड का है वो हम उस तरीके से निकालते हैं। एग्जाम्पल ले लेंगे बेसिकली किसका, तो C6H12O6। ठीक है, अभी ये C6H12O6 क्यों लिए हैं, कोई बता सकता है क्यों लिए हैं C6H12O6? कौन बताएगा मैंने यहाँ पे शुगर को क्यों लिया है कैलोरीफिक वैल्यू निकालने के लिए? एनर्जी डेटा है, अच्छा एनर्जी देता है, डेटा हम पढ़ रहे हैं। देखो अभी हम जो खाना खाते हैं तो होता क्या है कि जो फूड हमारे शरीर में ब्रेक होता है वो ब्रेक होता है इन शुगर्स की वजह से, इंसुलिन की वजह से। ठीक है, ये क्या करता है, और ये जो इंसुलिन है ये ब्रेक होने के बाद हमको क्या करता है, एनर्जी सप्लाई करता है। तो इसी चीज को मैंने यहाँ पे शुगर को लिया है, और एनर्जी जो हमको मिलता है वो किस फॉर्म में मिलेगा, जो उसका जो प्रोडक्ट है वो किस फॉर्म में मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट एनर्जी के फॉर्म में। इसी वजह से मैंने यहाँ पे ये अपना शुगर लिया है। अब इसमें देखो इसका जो वेट है वो होता है 180 AMU। ठीक है, 180 ग्राम कह लीजिए, चाहे तो 180 AMU कह लीजिए, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये जलने के बाद हमको एनर्जी कितना देगा, तो 2900 किलो। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम 180 ग्राम का शुगर खा ले तो हमको 2900 किलो जूल अमाउंट ऑफ एनर्जी देखने को मिलता है, और ये वो एनर्जी है जो हमारे शरीर को एनर्जी प्रदान करता है बाकी कामों को करने के लिए। तो कैलोरीफिक वैल्यू कुछ हद तक समझ में आ गया सबको, कुछ डाउट है इसमें? यहां तक समझ में आया जो भी अभी बताया मैंने? यहां तक समझ में आया कैलोरीफिक वैल्यू? बस एक जन लिखता है यस सर, बाकी को बोलोगे तभी लिखेंगे। देखो लिखने में कंजूसी मत करो, समझ में, यहाँ क्लास नहीं है, ऑफलाइन क्लास नहीं चल रहा है कि मैं सामने में पूछ लूँ आपको, तो थोड़ा एक्टिव रहिए लिखने के लिए। यस लिखने में, पूरा यस लिखने की भी जरूरत नहीं है, आप वाई लिखोगे, CL लिखोगे, क्लियर लिखोगे तो समझ में आ जाएगा। अब देखिए डेफिनेशन जो है हमारा वो किसके ऊपर दिया गया है, 1 ग्राम के ऊपर दिया गया है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे एग्जाम्पल में कितना लिए, हम लोग लिए 180 ग्राम, तो एग्जैक्टली कैलोरीफिक वैल्यू कितना हो जाएगा, फिक वैल्यू इज इक्वल्स टू 2900, सॉरी 00 डिवाइडेड बाय 180 इज इक्वल्स टू कितना आएगा, 1 मिनट, 2900 डिवाइड बाई 180 ये हमको देगा 16.11111 करके देगा। ठीक है, तो 16.11 मैं लिख देता हूँ, इतना किलो जूल अमाउंट ऑफ एनर्जी हमको मिलेगा, किलो जूल ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो 1 ग्राम का ईंधन जलने के बाद हमको बेसिकली इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलता है।
ठीक है, चाहे तो आप इसमें फ्यूल जला लीजिए, चाहे तो आप फूड को जला लीजिए। मैं यहाँ पे दोनों चीजें लिख दे रहा हूँ, फ्यूल और फूड। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद स्टैंडर्ड कंडीशन जो है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के लिए वो होता है 298.15 किलो कैलोरी। एक सेकेंड, नहीं, यहाँ पर मैंने जूल लिख दिया क्या? ये किलो कैलोरी के रूप में आएगा। एक सेकेंड, नहीं, किलो जूल्स के टर्म में, ग्राम के टर्म में मैंने लिया है किलो जूल। ठीक है, ठीक है, ग्राम के टर्म में किलो जूल्स। अभी देखिए एक चीज और, स्टैंडर्ड वैल्यू जो है, स्टैंडर्ड वैल्यू इज 298.15 किलो कैलोरी। ये आपको याद रखना है अपने ऑब्जेक्टिव के लिए। ठीक है, तो एग्जाम में आप क्या लिखेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखेंगे, और ये वाला पॉइंट आपके ऑब्जेक्टिव के लिए, सब्जेक्टिव में भी लिखोगे चलेगा। उसके बाद ये एक एल्गोरिदम है जो आप बना सकते हैं अपने एग्जाम में, नोट्स में, जो आपको काम आएगा। नेक्स्ट है इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, कौन बताएगा? देखो, मैंने माइक ऑन कर दिया है, तो आप अपना माइक ऑन करके भी बोल सकते हैं। व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? चलो मैं लिख रहा हूं, देखिए, ठीक जिसमें रिएक्शन का वैल्यू जीरो हो। नहीं बबीता, ऐसा नहीं है। देखो, जब भी हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की बात करते हैं तो हमेशा ध्यान रखिए कि एसिड और बेस के रिएक्शंस की बात हो रही है। देखिए, एक सिंपल सा एक मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। हम लोग इनो पीते हैं, ठीक है, तो इनो कब पीते हैं? जब हमारे पेट में एसिडिटी होता है, तब एसिड एसिड हमारे पेट में बढ़ जाता है, तो हम क्या करते हैं, इनो को पी लें। ठीक है, अब इनो कैसके जैसा काम करेगा? इनो काम करेगा बेस के जैसा। तो जो पेट में हमारा एसिड, एक्स्ट्रा एसिड रिलीज हुआ है, उसको उसके ऊपर काम आता है इनो। तो इनो बेस हो गया, तो एसिड प्लस बेस। अब देखिए, जब आपका पेट ठीक हो जाता है तो उसके बाद क्या है कि आपको टॉयलेट बहुत लगेगा। टॉयलेट लगने का रीजन है कि एसिड और बेस का जब रिएक्शन होता है तो उस कंडीशन में वो वाटर प्लस सॉल्ट को रिलीज करते हैं। ठीक है, तो सॉल्ट जो है वो हमारे शरीर में चला जाता है, जो यूजेबल सॉल्ट, जो यूजफुल सॉल्ट है, जैसे सोडियम क्लोरीन, ये सब जो है ये हमारे शरीर में चले जाते हैं। जो अनयूजफुल है वो वाटर के साथ बाहर चले जाते हैं। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें एक एसिड और एक बेस रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करने के बाद हमको क्या देता है, तो सॉल्ट प्लस वाटर। अभी यहाँ पे एक फंडा ये भी है कि जो एसिड और बेस हैं वो स्ट्रांग होने चाहिए। ठीक है, अगर स्ट्रांग एसिड है तो, और स्ट्रांग बेस है तो ही आपको सॉल्ट देखने को मिलेगा। नहीं तो अगर स्ट्रांग नहीं है तो वहां पे कंजुगेट बेस या कंजुगेट एसिड में वो कन्वर्ट होता है। ठीक है, अगर एसिड है तो कंजुगेट बेस में कन्वर्ट होता है, अगर बेस है तो वो कंजुगेट एसिड में कन्वर्ट
कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो फिलहाल मैं क्लास यहीं तक रख रहा हूँ, क्योंकि ये जो है हमारा, आपको पहले भी बताया है मैंने, ये कंपनी के थ्रू हमारा चलता है सारा चीज, फ्री वर्जन हम लोग 40 मिनट ही यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक मैं यहीं तक रख रहा हूँ, इसके आगे फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और क्लास का जो